यार अगर आपको लेना है एक बहुत ही बढ़िया स्पीकर और आप म्यूजिक के शौकीन हैं लेकिन आपके पास लैपटॉप या कंप्यूटर है, मैं म्यूजिक सिस्टम की बात नहीं कर रहा, फिर से सुनिए, लैपटॉप या कंप्यूटर सिस्टम है या फिर आप एक यूट्यूबर हैं और वीडियो एडिटिंग करते हैं तो बहुत ही बढ़िया स्पीकर आपको चाहिए। इसमें दो चीजें आपको देखनी पड़ेंगी, पहला कि इसकी साउंड क्वालिटी बेस्ट होनी चाहिए, दूसरी इसकी बिल्ड क्वालिटी भी बेस्ट होनी चाहिए। तो मैं जो यूज कर रहा हूँ वो है ये जेब्रोनिक का जेब बैरियर। आप देखिए इसकी पैकिंग ठीक ठाक है, अच्छी है, ज्यादा रेट का नहीं है, रेट भी आपको बताऊंगा, लेकिन पहले इसके जो फीचर्स है उसके बारे में एक बार डिस्कस कर लेते हैं। तो डब्बे को जब हम ओपन करते हैं तो ये दो स्पीकर्स हमारे सामने आते हैं। ज्यादा इसकी टेक्निकल टर्म्स के बारे में नहीं जाएंगे, यानी कि आप ये समझ लीजिए बहुत कम बिजली खाता है और रेट भी कम है। अब इसके साउंड पे एक बार हम देख लेते हैं। तो इसमें यहाँ ये आपको नोब दिया हुआ है, देसी भाषा में कहेंगे यहाँ इसका नोब दिया हुआ है, जिसको आप कम या ज्यादा अगर आपको वॉइस करनी है तो कर सकते हैं। अगर इसको आप 70 से ऊपर ले जाते हैं तो भाई ये बिल्कुल भी काम नहीं करेगा, क्योंकि इसकी आवाज फट जाती है, ब्रास इसमें बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन वीडियो एडिटिंग आप अच्छे से कर सकते हैं, आपको रूम में म्यूजिक सुनना है तो बड़े अच्छे से सुन सकते हैं। अंडर 70 यानी कि 70 से कम इसकी वॉइस आप रखिए, ठीक रहेगा। कंप्यूटर लैपटॉप में आपकी म्यूजिक सुनना है ठीक रहेगा, पर आप इससे पार्टी नहीं कर सकते हैं। तो पार्टी के लिए आपको म्यूजिक सिस्टम चाहिए होगा। और सबसे बड़ी बात, इसकी एक खूबी है या कमी मान लीजिए, तो ये जो चीजें ये मांगती है केयर, आप इसको एक बार फिक्स कर दीजिए और बार बार मूव मत करना, मूव करेंगे तो इसके वायर्स वगैरह ये थोड़े से प्रॉब्लम हो सकती है। बिल्ड क्वालिटी अच्छी है और कलर भी अच्छा है, दो छोटे छोटे हैं, काफी हल्के हैं, मुझे लग नहीं रहा कि इनमें 100 ग्राम भी वेट होगा। तो कंजप्शन की बात कर लेते हैं, तो कंजप्शन ज्यादा मैं फिर बता रहा हूँ, टेक्निकल टर्म्स में जाने की जरूरत नहीं है, बहुत कम कंजप्शन है यूज करेगा। और RGB लाइट्स इसमें है, इनको अगर आपको मान लीजिए मोबाइल वगैरह चलाना है तो इसमें एक USB पोर्ट भी दिया हुआ है, और इसमें 3.0 का ये जो 3.0 mm का इसमें जैक भी दिया हुआ है, इससे आप मोबाइल वगैरह में भी यूज कर सकते हैं। तो दोनों तरीके से ठीक है, पर फिर भी मैं कहूंगा इसको फिक्स करके आप यूज करें, चाहे आप मोबाइल से यूज करें, चाहे लैपटॉप से यूज करें, चाहे अपने सिस्टम यानी कि डेस्कटॉप से यूज करें, बेटर रहेगा। ज्यादा साउंड इसको नहीं देना है आपको, अपना काम इससे आप बहुत बेटर चला सकते हैं। तो कुल मिलाकर सजेशन लास्ट में हम दे सकते हैं कि इसकी जो रेट है वो भी बता देता हूँ आपको। एक्चुअल में ये अगर आप ऑनलाइन मंगवाते हैं तो लिंक दिया है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, जिसका रेट है करीब 1100 रुपए, लेकिन आप इसको मंगवाते हैं जैसे कि मुझे ये करीब 700 रुपीज का पड़ा है, तो आप भी मंगवा सकते हैं और मार्केट में भी आप देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, अच्छी ब्रांड है, अच्छी कंपनी है, यूज आपके आ जाएगा। तो ये तो मैंने बताया, अब हाथ कंगन को RC क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या, तो थोड़ा सा इसका साउंड टेस्ट और इसमें जो RGB लाइट्स है वो दोनों एक बार देख लेते हैं, क्योंकि RGB लाइट्स आपके रूम के लुक को बेटर कर देंगी और साउंड आपके मूड को बेटर कर देगा, दोनों ही टेस्ट एक बार ट्राई कर लेते हैं। तो RGB की बात कर रहा हूं, तो सबसे पहले तो इसके आप RGB लाइट्स देख लीजिए, ये RGB लाइट्स हैं। फिलहाल तो मैंने ये अपनी मर्करीज बंद नहीं की है, इसलिए हो सकता है थोड़ी आपको लो विजन में दिख रहा हो, पर जब इसको टोटली आप देखेंगे बिल्कुल डार्क विजन में तो बहुत अच्छी इसकी RGB लाइट्स हैं, ठीक है। अब इसको सप्लाई देने के लिए, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हम चाहें तो इसको सप्लाई दे सकते हैं पावर बैंक से भी, ये पावर बैंक भी बहुत अच्छा है, मैंने इसको यहाँ पावर बैंक से सप्लाई दी हुई है, अच्छी क्वालिटी का पावर बैंक है, इसका लिंक भी वीडियो डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप चाहें तो वहां से परचेज कर सकते हैं। 10,000 mAh का पावर बैंक है, ये मुझे बहुत यूज आता है, अगर आप भी ट्रेवल करते हैं मेरी तरह तो आपको भी काफी यूज आने वाला है। तो अब बात आती है साउंड टेस्ट की, क्योंकि जब हम खरीद रहे हैं किसी साउंड सिस्टम को या फिर म्यूजिक सिस्टम को या फिर किसी स्पीकर्स को, तो भाई साउंड की ही तो मस्ट चीज होती है। चलिए एक बार इसका साउंड टेस्ट भी हम कर लेते हैं। साउंड सुना आपने भाई, ये साउंड इसी में से आ रहा है, तो ये नाइस है साउंड मेरे ख्याल से, इसका जो मुझे लगा काफी अच्छा है, नाइट में बड़ा म्यूजिक का पूरा आनंद ले सकते हैं। चलिए अब थोड़ा इसका साउंड एक बार तेज करके देखते हैं, धीरे धीरे इसको तेज करेंगे, आप देखिए ये इसका फुल साउंड है। अब इसको एक बार हम लो पे लेके आते हैं, ये धीरे धीरे हम इसको लो पे लेके आएंगे। साउंड म्यूजिक सुनिए आप, काफी अच्छा, लेकिन मुझे जो रिदम पसंद है वो केवल इस रिदम में पसंद है, 30 से 40 के बीच ही मुझे म्यूजिक पसंद है, आप इससे हाई या लो वॉल्यूम में भी सुन सकते हैं। वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर जरूर कर देना, चैनल पसंद आया सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा देंगे आप तो वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, ऐसे किसी उस वीडियो में फिर मिलूंगा, तब तक के लिए नमस्कार।